बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सामाजिक संगठनों को सामाजिक कार्यों के लिए समता सैनिक दल की स्थापना की थी और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने धार्मिक क्रांति के लिए भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना की थी। हमारे सामने समता सैनिक दल के उत्तर प्रदेश के कमांडर मौजूद हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस समय जो राजनीतिक परिवेश है, जो धार्मिक परिवेश है, या यूँ कह सकते हैं जो सामाजिक परिवेश है, उसमें समता सैनिक दल की क्या भूमिका हो सकती है और क्या भूमिका होनी चाहिए? बहुत बहुत साधुवाद नमन और आपको आपके बच्चों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जन्म उत्सव की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएँ, मंगल कामनाएँ देते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने, जैसे अभी आपने अवगत कराया कि आरपीआई बनाई, तो आरपीआई राजनीतिक गठन, राजनीतिक शक्ति को हासिल करने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने आरपीआई का गठन किया। तत्पश्चात बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बहुत समय पहले अपने जीवन के शुरुआती दौर पर, संघर्ष के समय पर, समता सैनिक दल भारत की एक संवैधानिक सेना की स्थापना की, जिसको बाबा साहब ने आर्म इक्वलिटी फोर्स का नाम दिया और हिंदी में उसको समता सैनिक दल का नाम दिया। बाबा साहब ने इस संगठन की स्थापना भारत में हक वंचित समाज के लोगों के लिए, पीड़ित समाज के लोगों को सुरक्षा देने के लिए, उनको व्यवस्था देने के लिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए बाबा साहब ने सेना की स्थापना की। और स्थापना ही नहीं की, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने समता सैनिक दल को विशाल स्तर पर खड़ा किया और 10,000 समता सैनिक दल के सिपाही खड़ा करके, तैयार करके बाबा साहब ने अपने जीवन का प्रथम संघर्ष महाड़ तालाब के संघर्ष को किया। और महाड़ तालाब के संघर्ष को किया ही नहीं, ब्रिटिश हुकूमत के अंदर दो दिन 19 मार्च और 20 मार्च 1927 में बाबा साहब ने सिद्ध करके दिखाया कि यदि हमारा देश एकत्रित होता है, इकट्ठा होता है और सुरक्षा के सुरक्षा संगठन में आता है, एक साथ अपनी ताकत को दिखाता है, तो हम हर चीज़ को हासिल कर सकते हैं। और बाबा साहब ने 10,000 सिपाहियों के साथ महाड़ तालाब को घेर करके आप पूरे देश के लोगों को, समस्त लोगों को समता की देन दी, समता की शक्ति दी और पानी पीने की आज़ादी दी। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अपने जीवन के प्रथम संघर्ष महाड़ तालाब के संघर्ष में किया। इसके पश्चात बाबा साहब ने कालाराम मंदिर का प्रवेश किया, अर्थात समस्त देशवासियों को समता का अधिकार, समता समाज की स्थापना करते हुए अधिकार दिलाने का काम किया। इसी प्रकार से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने तीसरे चरण में अपने जीवन के अंतिम दौर पर इस देश को बुद्ध का दर्शन कराया और भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना करते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने 5,00,000 अनुयायियों के साथ में धम्म की दीक्षा ग्रहण की। समता सैनिक दल ने विशाल कार्यक्रम को और उसको आयोजित कराने का काम किया, उसमें व्यवस्था कराने का काम किया और बाबा साहब की सुरक्षा समता सैनिक दल ने हमेशा की। आप इस समय उत्तर प्रदेश में आपके समता सैनिक दलों की संख्या कितनी है? इस समय उत्तर प्रदेश में समता सैनिक दल की संख्या लाखों में है। रजिस्टर्ड हमारे पास 50,000 समता सैनिक दल के वर्दीधारी ड्रेस कोड के साथ कमांडर उपस्थित है और उत्तर प्रदेश के अंदर पूरे 75 जिलों के अंदर हमने अपने 75 जिलों का गठन किया है, 75 जिला अध्यक्ष का गठन किया है और फोर्स को इस स्तर पे खड़ा कर रहे हैं कि घर घर, एक एक गांव सुरक्षित होगा, बाबा साहब का सिपाही कोने कोने में जाएगा और आने वाले 24 सितंबर 1924 को समता सैनिक दल के 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। मैं संदेश देना चाहता हूँ, मैं आह्वान करता हूँ, मैं अपील करता हूँ, समता सैनिक दल के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष होने के नाते, यदि आप बाबा साहब के सिपाही हैं, यदि आप अम्बेडकरवादी हैं, यदि आप जय भीम कहते हैं, तो बाबा साहब की सेना के सिपाही बन जाइए। यदि आप बाबा साहब की सेना के सिपाही हैं, ये कवच आपके सीने पर है, ये ताज सम्राट अशोक महान की निशानी आपके मस्तक पर है, तो निश्चित रूप से आप बाबा साहब के सिपाही हैं। 100 साल पूरे होने पर नेशनल लेवल पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बड़ा विशाल कार्यक्रम होगा, पूरे भारत का समता सैनिक दल का स्थापना दिवस लखनऊ राजधानी में मनाया जाएगा। कार्यक्रम की सफलता के लिए हम कामना करते हैं कि आपका कार्यक्रम सफल हो और आपका संदेश पूरी दुनिया में जाए, जो बाबा साहब की विचारधारा थी, समता मूलक समाज बनाना, मानवतावादी समाज बनाना। जय भीम। साधुवाद। जय भीम।